बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे और हर दुख तकलीफ परेशानी से हर किसी को महफूज रखे। तो जी, छत पे आई हूँ। इधर ठंडी ठंडी हवा जा रही थी, काम करने लगी थी, तो मैंने कहा पहले छत पर चलती हूँ। सूरज बिल्कुल ग्रूब होने वाला है क्योंकि काम शाम करने वाला है काफ़ी, तो वो करती हूँ। साथ साथ जो भी सीन बनता अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी, उठी हूँ, चारपाई से मेडिसिन खाई थी आज, तो अभी उठी हूँ। तो मैंने कहा कोई काम शाम कर लूँ, शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि अम्मी लगी हुई थी तो अम्मी को कहा आप रेस्ट करो तो मैं खुद काम करूँगी। तभी जो भी करती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। चलती हूँ नीचे, और जाने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कब्जा हो गया, मन रहीम जी और ये अफ्तारी की तैयारी। सैर करें, चलो जी। दूध भी गिर गया, दूध गिरा हुआ कहते अच्छा भी नहीं होता। तो अभी जी मसाले डाल के हटी हूँ, दूध भी मैं साथ साथ गर्म कर रही थी। मैंने कहा जो भी बच्चों ने पीना होगा पी लेंगे। तो इधर चने में नरम अच्छी तरह करके ना, तो मैंने मसाले वगैरह ऐड कर दिए। अब ये पानी खुश कर रही हूँ। अभी जो खलारा होर किलर के आए, जो दूध वगैरह नीचे इतना नहीं गिरा जो ऊपर ही है, तो ये सारा साफ़ कर लेती हूँ पहले चूल्हा। इधर काम कर रही थी मैं, साथ में आलू चना चाट बना रही थी। ये कुछ चीज़ें काट ली और खीरे दो पड़े हैं वो भी काटती हूँ। तो ये है जी दही, इसमें भी दही है और मैं इसमें भी दही है। तो अभी ये सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो फिर देखती हूँ क्या करूँ, अभी पहले ये चूल्हा साफ कर लूँ। ये जी गर्म है, जी छुरी के साथ हटाती हूँ इधर से धोने के लिए। अभी ये कपड़ा मैंने इधर रखा हुआ है, क्योंकि अगर ऊपर ही बाद में साफ़ किया ना अच्छी तरह दूध गर्म करने के बाद, तो फिर ये सारा ऊपर दूध जलेगा, गना भी होगा। तो इसी तरह पहले ये साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ भी जल्दी हो जाएगा। फिर थोड़ी से पानी की ज़रूरत है, जब पानी इधर है। जी इस तरह अब कैमरा करती हूँ बंद, जो नीचे गिरा हुआ वो साफ़ कर लेती हूँ। सिलेंडर का गैस का भी एंड हो रहा है, ये वाला कुकर भी सारा ब्लैक हो रहा है। तो चूल्हा जी साफ़ कर लिया है, शुक्र है, जल्दी जल्दी उतार के। तभी फिर हल्की सी आग जला के दूध रख दिया मैंने। अभी इसमें पानी है, उतनी देर ना मैं कर लेती हूँ ये वाला काम। इसमें दही शही मिक्स करना है, खीरा काट के डालना है, सब्ज मिर्च नमक वगैरह जो भी मसाले डालने ना ये सारे डाल लेती हूँ फटोफट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू चना चाट हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी ये मिर्ची वगैरह दही काफ़ी ज़्यादा था इसलिए पड़ा है अभी, तो अभी रखती हूँ इसे कवर करके। तो जो काम और करना है वो सालन बन रहा है साथ में, अभी उनको चेक कर लेती हूँ। दूध फिर ना गिर जाए, उठ के देख ही लूँ, आगे काफ़ी नुकसान हो गया है, दूध नीचे गिर गया। इतना महंगा दूध आता है, जब इंसान कहे ना कि एक
काम से मैं काफ़ी काम इकट्ठे शुरू कर लूँ तो कोई ना कोई मसला लाजमी बन जाता है। अब जी आज सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा, तो अभी जिसमें थोड़ा सा पानी रह गया, फिर पानी पहले पानी खुश कर लूँ फिर बाद में दूसरे काम देख। रहीम जी पानी खुश हो चुका है, अब इसमें ऐड करना है घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाल्टी काफ़ी दूर पड़ी है, नीचे गिर जाएगा सारा, फिर बार बार हर चीज़ साफ करनी पड़ती है। घी मैंने ऐड कर लिया, अब अच्छी तरह इसकी भुनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूखा धनिया और ज़ीरा थोड़ा सा डाला है, ये ऐड कर लेती हूँ और अच्छी तरह भुनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। भांडे भी धोके रख ले सारे, चावलों वाले से जोड़े दूसरे भी सारे, क्योंकि माह रमजान के महीने में चस्के ज़्यादा लाई दे अगे पिछे, तो कम ही लाई दे अजकल। तो हूँ जी चना मसाला भी तैयार हो गया समीर बेटे वास्ते, नाले जी पकौड़ा कढ़ी। ये गल सिस्टर हमेरा लैके आई सी, तो इस वास्ते भी साढ़ा गर्म हो चुकिया है, तो नाल आलू चना चाट नाल हो जाएगियाँ दो चार रोटियां। तो जड़ी अफतारी में जड़ी भी चीज़ किसी ने खानी हुई कोई खा सकेगा। हाँ जी, तो हूँ इनू कवर कर दी हैं क्योंकि अच्छी तरह बनाई हो गई है, तो हूँ लगन लग पे थले, इस वास्ते जी इनू बंद कर देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जी अफतारी कर ली है सारी, तो अभी ये मैं भाभियों वाला सीन और हीरा नाया बैठी इनका शेयर किया है, क्योंकि जब बहन भाई आते हैं ना तो काफ़ी दिल खुश हो जाता है। अचानक सरप्राइज दिया था सिस्टर हमेरा ने, भाई अली ने, भाई फयाज ने और भाभी मैविश ने, तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। तो अचानक देख के कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं या क्या ना करूं, क्योंकि कोई मुझे पता नहीं था कि आ रहे हैं, तो इसलिए अभी जी बच्चे खेल रहे हैं। तो माशाल्लाह जी अल्लाह पाक इसी तरह खुश रखे सभी को। तो इस तरह कोई वीडियो पहले बनी हुई हो ना, तो जब अपने बहन भाइयों को इंसान देखता तो दिल काफ़ी खुश हो जाता, और छोटे छोटे भतीजे भतीजियों को भी देखते हैं, फिर जब याद आती ना कि ये हमारे बाद यही पीढ़ी शुरू हो गई है, तो अल्लाह पाक जी ने को सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। तो जब भी अपना बहन भाई आते हैं तो काफ़ी ना अच्छा लगता है। अचानक उनको देख के ना मैंने कहा आधी रात को मेरे पास ये लोग कहाँ से, तो आए थे भाई अली बाबा को मिलने के लिए। चलो इसी बहाने जी चक्कर लगा गए, तो हीरा खेल रही है और अनाया को मारने जाती है, अनाया के बाल पकड़ लेती है, अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देती क्योंकि हीरा बड़ी है और अनाया छोटी है, इस वजह से। तो अब मैमा भी माशाल्लाह जी बड़ी खुश हो रही है दोनों बहनों के साथ खेलते खेलते, मौई साहब देख रहे हैं उधर। ये तो जे हीरा इस तरह करती है कि मैंने मारना है, अभी थी ये थी जी हमारी आज की वीडियो। जिन बहन भाइयों को पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो बहन भाइयों मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। तो इसी के साथ बहन भाइयों से इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।